चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ मुखर हुई उमा भारती, जाने बीजेपी से कब कब और क्यों की बगावत। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है राम और हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब 3 महीने से भी कम का समय का वक्त बचा है, लेकिन उमा भारती के बीजेपी और शिवराज सरकार को लेकर मत बदले हुए हैं। मध्य प्रदेश में निकाली जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनको डर होगा कि सारी लाइमलाइट मैं न लेके चली जाऊं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से उम्र में छोटी हूं और मैं आने वाले 15 से 20 सालों तक सामाजिक जीवन में काम कर सकती हूं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने अपनी ही पार्टी पर तीखे तीर छोड़े हों, वह ऐसा पहले भी करती आई हैं। 2005 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको बीजेपी से निष्कासित भी किया जा चुका है। 2011 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता फिर से ग्रहण की है। दिसंबर 2022 में अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए उमा भारती ने जोर देकर कहा था कि भगवान राम और हनुमान बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने कहा, देवता किसी जाति या धर्म से बंधे नहीं हैं। भगवान राम और हनुमान जनसंघ के अस्तित्व से पहले, मुगलों के अस्तित्व से पहले और अंग्रेजों के शासन से पहले भी मौजूद थे। बीते दिनों उमा भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कह रही थी कि अगर वह सिर्फ उनकी जाति के हैं तो महज इसलिए उनको बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी लोधी जाति के लोग अपनी राजनीतिक दल और विचारधारा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं बीजेपी में इसलिए हूं क्योंकि इस विचारधारा से मुझे प्रेम है। उमा भारती ने शराब की दुकानों को बंद करने का आंदोलन चला रखा है। जुलाई 2022 में उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में शराब नीति पर हस्तक्षेप की मांग की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई शराब नीति पर चिंता व्यक्त करते हुए उमा भारती ने कहा कि वह कुछ महीनों से इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।